हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवंत सिंह मोहाली। प्रॉपर्टी गुरुकुल के ट्रेनिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जुलाई की ट्रेनिंग 1 जुलाई से लेके 3 जुलाई तक कंप्लीट हो चुकी है। अब 6 बज चुके हैं, अभी क्लास ख़त्म हुई है। क्लास के बाद हम जैसे आगे करते हैं कि ट्रेनिंग वालों की फीडबैक ली जाए। सो आज हमारे साथ मिस्टर सुमित, जो पलवल हरियाणा से आए हुए हैं, उनको सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से लेके 3 जुलाई तक आपके कॉन्फिडेंस लेवल में या रियल स्टेट में नॉलेज के लेवल में या आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? प्रॉपर्टी गुरुकुल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसे मैंने पहले सर को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था, 1 साल से, और पहले मैंने सर के वीडियोस देखे, सर की बुक पढ़ी, तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मुझे पता था, पर सर की ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे प्रैक्टिकल काफ़ी नॉलेज हुआ। सर ने साइट विजिट कराएं और मेरा इससे कॉन्फिडेंस, जो मेरा 30-40% था, जो मेरी क्वेरीज थी, वो बहुत रिजॉल्व हुई और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊँचा हुआ। आप ट्रेनिंग को क्या कहना चाहते हो? ये जो हमारा प्रोग्राम ये देख रहे हैं, उन दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको ट्रेनिंग में आना चाहिए? यदि आते हैं तो उनको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, और नहीं आते तो क्या उनका मतलब जाने वाला है, क्या उनका नुकसान हो सकता है या ना ही आने के? अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी गुरुकुल अगर आप फॉलो करते हैं, सर को फॉलो करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको 100% 200% सर से मिलने आना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि आप वीडियो देख के आपकी कुछ ना कुछ क्वेरीज रहती है। मेरी भी बहुत सारी क्वेरीज थी, मैं कॉपी पेन में नोट करता रहता था, वो सारी क्वेरीज मेरी सर के साथ ऑनलाइन यहाँ पे ऑफलाइन ट्रेनिंग में ही रिजॉल्व हो पाए। वो क्वेरी आपकी कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता, वो सर से बात करने के बाद ही आपकी रिजॉल्व होंगी। तो ये मेरा मानना है कि आप सर को फॉलो कर रहे हैं तो 200% आपको सर से ऑफलाइन ट्रेनिंग में मिलने आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सुमित जी, मेहरबानी आप।